स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर 26 नवंबर को उत्तरकाशी द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल से प्रारंभ हुई। इस विशाल तिरंगा यात्रा एवं झांकी में भारत माता रानी लक्ष्मीबाई एवं अहिल्या बाई के स्वरूप में झांकियां सजाई गई थी। यह तिरंगा यात्रा प्रातः 8:30 बजे आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल चेतगंज के प्रांगण से प्रारंभ होकर लहुरावीर क्वींस कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए वापस चेतगंज विद्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में सबसे पहले शंख नाद एवं डमरू की ध्वनि लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जयंती का आह्वान करा रहे थे। शंख व डमरू की ध्वनि सुनकर भारत माता की जय के साथ लोग विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल होते जा रहे थे। आज 75वां भारत का स्वतंत्रता दिवस की रैली निकल रही है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, क्योंकि ये हम सब का सौभाग्य है कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस में हम सब कुछ अपना सहभागी बना सके। और ये आज जो अमृत महोत्सव के नाम से जो पूरे के पूरे पर्व मनाया जा रहा है पूरे राष्ट्र में, आज हमारे आर महिला परिवार से बेटियों का, बच्चियों का, महिलाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम सब आज इस 75वें अमृत महोत्सव के साक्षी रहे। देखिए, छोटी सी बात है कि 75वें जब हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ था तो हम सब में से कोई भी नहीं था। जो आज मेरी बेटियां हैं वो सब बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये दिन आज उनके जीवन में आया है जो यादगार पर की तरह हमेशा उनके साथ रहेगा। ये आर्य महिला से होकर संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से घूमते हुए वापस आर्य महिला पे आके रुक। भारत माता के रूप में खुशी मालवीय तिरंगे झंडे से सजे एवं सैन्य बल के साथ एक विशाल रथ पर सुशोभित थी, जिसके पीछे भारत की जनता भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे लगाते हुए हाथ में तिरंगा लिए हुए चल रही थी। झांसी की रानी के स्वरूप में पलक उपाध्याय एक रथ में सुशोभित थी। मराठा वेश धारण किए हुए वीरांगनाएं तलवार ढाल एवं भाले से सुसज्जित जय भवानी के उद्घोष के साथ उनके साथ चल रही थी। अहिल्या बाई के स्वरूप में सुमाना जायसवाल एक रथ में सुशोभित थी। तिरंगा यात्रा में अपने देश के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष पूर्ण होने पे अपने देश के पूरी सरकार के योजना से भी और स्वतंत्र रूप से देश में रहने वाले सभी जो देशभक्त लोग हैं वो अपने देश के स्वाभिमान के लिए ये यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। सब है, जितने नागरिक हैं उन नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना और प्रबल हो, इसकी एक ये व्यवस्था है, उससे सब देशभक्ति की भावना और प्रबल होगी। हमारे उन क्रांतिकारियों को स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान करने का कार्य किया है। उन्होंने बहुत सर्वस्व समर्पण कर करके, न्यौछावर कर करके इस देश को स्वतंत्र कराने का काम किया है। उनकी जैसी इच्छा थी वैसा ही एक भव्य भारत बनकर के तैयार हो, उसका एक ये मूल्यांकन करने का समय है, वो विचारने का समय है, वो सबके ध्यान में आए इसके लिए ये योजना हो रही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।